लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आकिब मिराज खान और हम मौजूद हैं लखनऊ के ऐतिहासिक घंटा घर पे, जहाँ पे महिलाएं लगातार 23 दिनों से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए धरने पे बैठी हुई हैं। और मेरे साथ मौजूद है लखनऊ में झांसी की रानी का लकब पाने वाली उज्मा परवीन। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप अभी हमारे गवर्नमेंट ने कहा है कि NRC और CA अभी फिलहाल लागू नहीं करेंगे, लेकिन NPR पे आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो यही बार बार उनसे भी कह रहे हैं, सरकार से मेरा यही कहना है, हमारा यही संदेश है कि ये तीन कानून हमें, एक चीज या दो चीज हमें सिर्फ नहीं चाहिए आपसे, हमें तीनों चीज यानी CA, NRC, NPR रिजेक्ट की तौर पर चाहिए, यानी कानूनी तौर से हमें ये रिजेक्ट चाहिए, ये बिल रिजेक्ट चाहिए। अगर एक चीज भी ये पीछे हटते हैं कि हम दो चीजें लागू नहीं करेंगे और एक चीज पे हम मतलब विचार करेंगे, तब भी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आज तो खाली 23 दिन हुए, अगर ये 23 महीने में भी तब्दील हो गया, 23 साल में भी तब्दील हो गया, तो वो भी यही मेरी राय रहेगी, हम यही धरना देते रहेंगे, चाहे दिन हो, सुबह हो, शाम हो, बरसात हो, लाठियां हो, पुलिस की, प्रशासन की सख्ती हो, सरकार की तरफ से दबाव हो, लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम निडर बन चुके हैं, हम एकदम मजबूत हो चुके हैं और हमारी मजबूती में इजाफा हो गया है, जैसा कि आज 23 दिन हो चुके हैं। कल आपके मंच से कॉल है हल्ला बोल, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो आ रहे हैं, जो लोग वो सपोर्ट में आ रहे हैं और हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, जिस तरह से यहाँ एक समुदाय तो खड़ा नहीं है, यहाँ तमाम समुदाय की महिला खड़ी हुई है, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरा इंडिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरे अदर कंट्री हमारे साथ खड़ी, और जो कल लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ स्पीकर आ रहे हैं, तो वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं और उनके गुजार भी हैं, और इस तरह से हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और हम मजबूत हो रहे हैं, हमारी नींव नहीं हिल रही है, लेकिन सरकार की नींव जरूर हिल गई है। लेकिन यहाँ से देखने को हमें मिला है कि एक ग्रुप जो है वो हल्ला बोल पे सपोर्ट कर रहा है और एक दूसरी तरफ मना कर रहा है, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, हमारा जो ये हल्ला बोल प्रोटेस्ट है, तो हम लोग कहीं ना कहीं पीसफुल करने की कोशिश है, हम लोगों की संविधान के दायरे में रहने की कोशिश है कि किसी भी तरीके का संविधान का उल्लंघन ना हो, कोई चीज़ की तोड़ फोड़ ना हो, कोशिश करके कोई चीज़ जाम ना करी जाए, कोशिश करके यही मतलब हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ हल्ला बोल भी हो तो वो भी संविधान के दायरे में रह के हो, उसका उल्लंघन ना किया जाए, और जो भी हमारे सपोर्ट में कल आ रहे हैं हल्ला बोल के लिए, हम सब कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो यहाँ पर, कोई भी तरीके का और या कोई साजिश के तहत अगर कोई हमारे इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करता है, तो उससे भी हम निपटना जानते हैं, और जैसे कि हम निपट रहे हैं, जिस तरह से साजिशें हो रही हैं इस प्रोटेस्ट को खराब करने की, तो देख ले आप, प्रोटेस्ट खराब नहीं हुआ है, आज भी वो वही जमा हुआ है, किसी एक दो के खराब करने से, या फिर जो गोली चलाने आए थे, जो लोग खराब करने आए थे, जो लोग कोशिश करने आए थे, अभी कुछ दिन, तीन चार दिन पहले रात में जो लोग आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट को खराब करने की, सुबह 4 बजे भी कुछ लोग आए थे, लेकिन गोली मारो सालों को बोलकर जो गए हैं, तो मतलब ये प्रोटेस्ट खराब करने की एक उनकी मंशा थी, तो उनकी मंशा में हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, और हल्ला बोल में भी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी नजर हर एक पर है, हम यहाँ संविधान के दायरे में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे जगह का जायजा लेते रहते हैं कि कहीं गुटबंदी तो नहीं है, कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही, हम लोग इस बात का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं, और इस वजह से जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें, किसी भी संविधान का उल्लंघन ना करें, कोई ऐसी बात हमारी, ऐसा गलत मैसेज किसी की तरफ ना जाए कि ये प्रोटेस्ट किसी की एक गलती से बर्बाद हो जाए।